नमस्कार, मैं हूं दिबांशी मोइत्रा। बेरोजगारी, ये वो मुद्दा है जिससे न सिर्फ राजस्थान जूझ रहा है बल्कि पूरे देश के लिए बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा। कांग्रेस लगातार इसी बेरोजगारी के मुद्दे पर मोदी से लेकर योगी सरकार को घेरती रही है, लेकिन आज इसी कांग्रेस की सरकार में राजस्थान की हालत ये हो गई है कि सूबे के युवा न सिर्फ नौकरी के लिए सड़कों पर उतर गए बल्कि सरकारी नौकरियों और प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली का आरोप लगाकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये विरोध इस कदर है कि राजस्थान बेरोजगार एकीकृत संघ के अध्यक्ष उपेन यादव पिछले 5 दिनों से आमरण अनशन करने को मजबूर है। इतना ही नहीं, इस लगातार बिगड़ती हालत के बावजूद उन्होंने ट्रीटमेंट लेने से भी मना कर दिया, जिसके बाद तो ये आमरण अनशन और भी बड़ा रूप लेता जा रहा है। उपेन यादव के समर्थन में लगातार लोग जयपुर में जुट रहे, जो राजस्थान की कांग्रेस सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है। राजस्थान की गहलोत सरकार के खिलाफ जब से उपेन यादव ने आमरण अनशन किया है, उनकी हालत लगातार बिगड़ती ही जा रही, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस सरकार की कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। 17 अक्टूबर से ही राजधानी जयपुर में अनशन कर रहे उपेन यादव की हालत बिगड़ी तो उन्हें शनिवार की रात को ही एक निजी अस्पताल के ICU वार्ड में भर्ती करा दिया गया, लेकिन उन्होंने लिखित में ये ऐलान कर दिया कि वो अपना ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस लिखित बयान में उपेन यादव ने कहा, 17 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से मैं उपेन यादव अपनी मर्जी से उपचार नहीं ले रहा। इस ऐलान के बाद से ही बेरोजगार एकीकृत संघ के अध्यक्ष उपेन यादव की हालत बिगड़ती जा रही, जिसकी वजह से अब सोशल मीडिया पर भी राजस्थान सरकार के खिलाफ जहां जबरदस्त विरोध देखा जा रहा है, तो वहीं उपेन यादव के समर्थन में उतरे लोग लगातार कह रहे हैं, मैं भी उपेन यादव। तो वहीं कुछ लोग कह रहे हैं, तेरे जैसा यार कहां। बेरोजगारी और नौकरी में भ्रष्टाचार के मुद्दे के खिलाफ आमरण अनशन कर रहे उपेन यादव के समर्थन में उतरे अशोक चौधरी नाम के ट्विटर यूजर ने तेरे जैसा यार कहां गाने के साथ उनकी वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता। ट्विटर यूजर मनोज सिंह चौधरी ने लिखा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, इसलिए धरना और अनशन जारी। राजस्थान का हर युवा उपेन यादव, इस आवाज को दबाया नहीं जा सकता है अशोक गहलोत जी। राजेश नाम के यूजर ने लिखा, रीट SI भर्ती की CBI से जांच करवाने और पेपर लीक फर्जीवाड़े के खिलाफ सख्त गैर जमानती कानून बनाने की मांगों की सरकार की अनदेखी और संवेदनहीनता के चलते उपेन यादव ने ICU में उपचार लेना भी बंद कर दिया। ट्विटर यूजर अजय ने लिखा, मैं मजबूती से उपेन यादव के समर्थन में खड़ा, ये समय उपेन के साथ मजबूती से खड़े होने का है। फाइट फॉर हिम, हाउस द जोश गाइस। बेरोजगार की आवाज नाम के ट्विटर हैंडल से लिखा गया, राजस्थान में शोर का बिगुल बज रहा है, पूरा प्रदेश मैं भी उपेन यादव हूँ बोल रहा है, राजस्थान सरकार है तो कहाँ है, कब जागेगी, कब होगा न्याय। क्या कोई ऐसा मंत्री नहीं है जो बेरोजगार की बात सुन सके। महेंद्र कुमार शर्मा नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, 21 सूत्रीय मांगों को लेकर अस्पताल में भी अनशन जारी, उपेन यादव ने ICU में उपचार लेना किया बंद, प्रोग्रेस रिपोर्ट में लिख कर दिया मैं अपनी मर्जी से उपचार नहीं ले रहा हूँ, अनशन ICU में भी जारी रहेगा। एक यूजर ने लिखा, वो राजस्थान का सपूत पहले बेरोजगारों के लिए सरकार से संघर्ष कर रहा था, अब वो लाखों उम्मीदों को लेकर जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है, मगर अफसोस प्रदेश के मुख्यमंत्री का पता नहीं कहां घूम रहे। बेरोजगार एकीकृत संघ के अध्यक्ष उपेन यादव का यह आमरण अनशन वैसे तो राजस्थान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ है, लेकिन उनकी आवाज अब राजस्थान से निकलकर पूरे देश में गूंज रही और पूरा देश देख रहा है किस तरह से एक युवा सिर्फ इसलिए आमरण अनशन करने की वजह से जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, क्योंकि कांग्रेस सरकार उनकी 21 सूत्रीय मांग पूरी नहीं कर रही। क्या है राजस्थान बेरोजगार एकीकृत संघ की मांग। रीट 2021 और SI भर्ती 2021 की जांच CBI से करवाई जाए। भविष्य में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गैर जमानती सख्त से सख्त कानून बने, जिसमें दोषियों के खिलाफ कम से कम 10 साल की सजा और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान। निमराणा कमला देवी महाविद्यालय परीक्षा केंद्र के बाहर 6 बेरोजगार अभ्यर्थियों पर राजकार्य के दर्ज मुकदमे जल्द से जल्द वापस लिए जाएं।
जिन परीक्षा केंद्रों पर पेपर खुले मिलने और देरी से पेपर पहुंचने की शिकायत मिली है, उस संबंध में सरकार तत्काल कमेटी का गठन करके 2 दिन में पीड़ित अभ्यर्थियों से प्रार्थना पत्र लेकर समस्या का हल करके उन परीक्षा केंद्रों के बेरोजगार अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए। परीक्षा केंद्रों पर लापरवाही पाई जाती है, उन परीक्षा केंद्रों की मान्यता रद्द की जाए और दोषी कर्मचारियों को तत्काल बर्खास्त करने की कार्रवाई की जाए। पेपर लीक के सरगना बत्तीलाल मीणा ने किस किस को पेपर बेचा और किससे पेपर लिया है? बत्तीलाल मीणा को राजनीतिक संरक्षण देने वाले राजनेताओं का भी जल्द से जल्द खुलासा किया जाए और बत्तीलाल मीणा के साथ लिप्त पाए जाने वाले सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। भविष्य में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं में बायोमेट्रिक के साथ वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से करवाई जाए। प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 चिकित्सा विभाग की सूची जल्द से जल्द जारी की जाए। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 के अभ्यर्थियों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द प्रार्थना पत्र सबमिट किया जाए। रीट शिक्षक भर्ती 2018 मामले का न्यायालय से जल्द निस्तारण करवाकर भर्ती प्रक्रिया अति शीघ्र पूर्ण करवाई जाए। टेक्निकल हेल्पर भर्ती की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी की जाए। पंचायती राज LDC भर्ती 2013 की नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर जल्द से जल्द जारी किया जाए। फार्मासिस्ट भर्ती 2018 के संशोधित विज्ञप्ति जल्द जारी करके जल्द से जल्द परीक्षा तिथि की घोषणा की जाए। शिक्षा विभाग में रिक्त 19,000 पदों का वर्गीकरण करके फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और PTI भर्ती की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी की जाए। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का सिलेबस और विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी की जाए। पंचायती राज भर्ती जैन भर्ती की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी की जाए। चिकित्सा विभाग में रिक्त पदों पर दंत चिकित्सक, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, नर्सिंग भर्ती, नेत्र सहायक, वार्ड बॉय, पशुधन सहायक, जलधारी, TRA, APRO, सूचना सहायक, जूनियर अकाउंटेंट, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, मोटर वाहन उपनिरीक्षक भर्तियों की विज्ञप्तियां जल्द से जल्द जारी की जाए। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 की सूची जल्द से जल्द जारी की जाए। स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 में कम किए गए 14% पदों को शिक्षा मंत्री जी के वादे के मुताबिक जल्द से जल्द वापस जोड़कर शिक्षा मंत्री जी के वादे को जल्द पूरा किया जाए। राजस्थान की भर्तियों में बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों का कोटा बिल्कुल कम किया जाए और राजस्थान के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दिए जाने का नियम जल्द से जल्द बनाया जाए। परिचालक भर्ती 2010-11 के चयनित अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। प्रतियोगी परीक्षाओं में इंटरव्यू प्रथा को समाप्त किया जाए या न्यूनतम अंकों का मापदंड ही रखा जाए। ऐसी 21 मांगे हैं जिसे राजस्थान बेरोजगार एकीकृत संघ ने कांग्रेस की राजस्थान सरकार के सामने रखी, लेकिन कांग्रेस सरकार है कि मानने का नाम ही नहीं ले रही। बस इसी वजह से उपेन यादव जैसे युवा को आमरण अनशन के लिए मजबूर होना पड़ा और आज इस शख्स ने विरोध में ICU में इलाज लेने से भी इनकार कर दिया, जिससे उपेन यादव की हालत बिगड़ती जा रही है।